जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो सभी का एक बार फिर से शुभम क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और देखा जाए तो एक तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, यानी कि आज का ये वीडियो एक अलर्ट वीडियो है जो आपको ये बताएगा कि अब आपको तैयार कैसे करना है, कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बेहतर करनी है, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक इन उलझनों में फंसे हुए हैं कि हम शुरू करें कहाँ से, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें, क्या रिवीजन करें या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करें या फिर पिछले साल के पेपर लगाएं। तो इन सभी उलझनों में बच्चे अभी फंसे हुए हैं, तो सभी बच्चों को एक बार हम फिर से जो है आज एक आखिरी मौका दे रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ जो है जुड़ जाइए और जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, यकीनन आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार बेटा सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कम से कम 200 कमेंट्स आने चाहिए कि यस सर हम तैयार हैं, हम अलर्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बात सुन लीजिए कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए हम आपको तैयार करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें आपके फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखा जाए ये सारे चैप्टर हमको पढ़ने हैं, चैप्टर यहां मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। ठीक है, जिससे आपका ज्यादा वक्त ना जाए, बहुत बहुत मतलब जितने भी टाइम हम आपका लें, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हम आपका समय लें, बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम काम के फालतू समय बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है यहां पे ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इतने ही चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो ये भी हम लोग जब पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला आधा पढ़ चुके, लगभग 70% इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, 30% बाकी है। ठीक है, ये चैप्टर बाकी है। इसमें हम लोग किरण प्रकाशकीय एवं प्रकाशिक यंत्र में, किरण प्रकाशकीय तो पढ़ चुके हैं लेकिन प्रकाशिक यंत्र जो है अभी पढ़ना फिर से बाकी। हालांकि प्रकाशिक यंत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था लेकिन मैंने कहा था कि एक बार मैं इसे फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं फिर से भी आपको पढ़ा दूंगा। और इतने ऐसे चैप्टर हैं जिसके बारे में अभी तक हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई उन चैप्टरों की बात। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस उलझन में हो इस उलझन से हम बाहर कैसे हैं। उलझन क्या है कि सर अभी हम शुरू कैसे करें, कहां से शुरू करें। सर आप चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी हम पहला पढ़ रहे हैं। सर आप दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी हम जो है पहले चैप्टर पे अटके हुए। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए सबसे पहले जो है हमने क्या कहा कि अगर देखा जाए, ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास बेटा टाइम का जो है अब कमी है। ठीक है, टाइम की अब जो है बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं, टाइम जो है अब आपके पास लिमिटेड है। तो यहां पे हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा, यानी कि केवल हार्ड वर्क करके अब काम नहीं चलने वाला। यानी कि चैप्टर को शुरू करके चैप्टर के हर एक पॉइंट को पढ़ना, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, इतना समय अब नहीं है। अगर इतने समय के पीछे जाओगे तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है पीछे रह जाए। तो इसमें ये तो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न तो सबको पता है कि 70-30 का होता है, 30 प्रैक्टिकल होता है, 70 जो है थ्योरी होता है, तो ये पेपर का पैटर्न है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर में जो आपके प्रश्न आते हैं, यानी कि ये जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है ये कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसमें देखो जैसे जो चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक, जो चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है, पढ़ा तो हमने कई सारे चैप्टर दिए हैं लेकिन अब सारे चैप्टर तो आप एक साथ पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए अभी हम आपको लास्ट में छोटा सा होमवर्क देंगे, अगर वो उतना होमवर्क आप कर ले गए तो समझ लो आप हमारे बराबर आ गए। ठीक है, यानी कि आप अगर हमारे बराबर आ गए फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हर इसको तैयार कैसे करना, जो आपको हम करवा रहे हैं वन शॉट, ठीक है, जो आपका वन शॉट वीडियो में करवा रहा हूं वो देखो, उस पर ध्यान दो। वन शॉट करने के बाद, वन शॉट जैसे ही खत्म होता है तुरंत आप क्या करो, PYQ लेके बैठ जाओ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके खुद से सॉल्व करो। क्योंकि वन शॉट कराने के बाद यहाँ हम आपको PYQ तो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वन शॉट में ही इतना ज्यादा समय लग जाता है कि PYQ जो है कराएंगे तो तब तक आप लोग जो है नींद लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वन शॉट हम करवा दें तो आप लोग खुद से PYQ सॉल्व करो, या अगर PYQ ना करो तो ये जो वन शॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शॉट कराते समय बताता हूं कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, उसको एक दो बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लिया करिए। ठीक है, तो ये काम आपका हो जाएगा।
ठीक। और वन शॉट में अगर देखा जाए तो टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के लिए 14 वीडियो, यानी कि 14 दिन में जो है आपका पूरा जो है कवर हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, ठीक है। यानी कि वन शॉट हमने कराया और उस वन शॉट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने फिर उसको रिपीट कर लिया, ये हुई स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो हमने करा दिया, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कैसे किए, जो वन शॉट में हमने करवाया जो उसका इंपॉर्टेंट था वो आप ढूंढ के, या जो हमने बताया उसको आप क्या किए, एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है। चलिए ये यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पे आपके तीन टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। एक तो बहुविकल्पीय रहेगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। इसमें तीन चार टाइप के, ठीक है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसके बारे में आप देख ही रहे हैं, लगभग दो या तीन सीरीज मैं आपको करवा चुका हूं, तो इसमें मान के चलिए अभी आपको पांच सीरीज और मिलेगी, ठीक है। पांच वीडियो आपको बहुविकल्पियों को, ठीक है, बहुविकल्पियों बहुविकल्पीय प्रश्न का आपको पांच वीडियो अभी और मिलेगा, और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का लगभग लगभग आपको सात वीडियो मिलेगा, ठीक है। सात वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का, और दीर्घ उत्तरीय के लगभग लगभग 10 से 15 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 10 से 15 वीडियो जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसमें भी कई कैटेगरी है, इसमें अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो एक तो इसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है बेटा, कौन से न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, और प्लस प्लस डेरिवेशन वाले पोर्शन है, ठीक है, डेरिवेशन, तो दोनों मिक्स हैं आपके दीर्घ उत्तरीय में, तो इसलिए जो है अगर न्यूमेरिकल मतलब दोनों पे अलग अलग, न्यूमेरिकल पे भी 10-15 वीडियो और डेरिवेशन पे भी 10-15 वीडियो, तो टोटल जो है अगर देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय के हमारे पास जो है 25-30 वीडियो दीर्घ उत्तरीय के प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा कि जो आपके पेपर से वंचित रह जाए या आपके पेपर में पूछा जाए और आपको यहां ना बताया रहा गया हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको काम यही करना है कि आप जो है जितने भी क्लासेस लिए जा रहे हैं कोई भी क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। अब इन प्रश्नों को तैयार कैसे करना है, तो ये प्रश्न जो है देखिए, ये तो यहां हमने हम एक्स्ट्रा आपको करवाएंगे ही, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ साथ एक्स्ट्रा प्रश्न तैयार करने के लिए तो ये आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो गया, पिछले तीन साल के पेपर आ गए हैं, ठीक है, मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम जारी किया है, ये मॉडल पेपर प्लस पेपरों में भी मॉडल पेपर आना शुरू हो जाएगा जब आपका टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जरिए हैं कि जहां से आप एक्स्ट्रा चीजों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज वो चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपको करने ही करने हैं, और एक्स्ट्रा चीज अगर आपका मन करे तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो कहीं आपको दिक्कत नहीं देगा। हाँ, एक्स्ट्रा अगर आप कर रहे हैं और एक्स्ट्रा करने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही तो वो चीज भी आप यहां पूछ सकते हैं, इतनी सुविधा हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक लिए या कोई मॉडल पेपर लिए सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप उसे पूछोगे तो उसको जो है हम प्रोवाइड कर देंगे, उसका आंसर आपको हम बता देंगे, वो सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, इतनी सुविधा दे रहे हैं। और देखो जितने भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स में जो भी आपके वन शॉट वीडियो कराए जा रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें आपकी करवाई जा रही हैं, हर एक चीज का पूरा मैटर, पीडीएफ, स्मार्ट बोर्ड लेक्चर, सब कुछ जो है ऐप में तुरंत का तुरंत अपडेट कर दिया जा रहा है, और ये चीजें आप तक आसानी से पहुंच सके इसलिए आप ऐप को ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपको नोट्स वाली समस्या ना हो, ठीक है। और अभी जो इस बैच की प्राइस है सिर्फ 799, लेकिन इसमें भी आप 100 रुपये का छूट पा सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये के छूट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं संजीव सर, अगर आप ये कूपन कोड बेटा यूज करेंगे तो आपको तुरंत जो है 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये आपको छूट मिल जाएगा संजीव सर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये दो आपके कूपन कोड है, दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तुरंत आपको इंस्टेंट 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये प्राइस आपकी हो जाएगी 699। तो 699 में अगर आपके रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, पता चला ऐसा ना हो, ठीक है, हम भी
प्रयास यही करते हैं और कोशिश यही रहे कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन एक आध दो बच्चे ऐसे सुनने में मिल आ जाते हैं रिजल्ट आने के बाद कि किसी का एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, किसी को एक में। तो उस एक सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें रिजल्ट आने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देना पड़ता है, आपका समय भी नुकसान होता है। तो वो चीज़ें आप पहले ही कर लो सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में, तो वहां पे आप बच जाओगे, ठीक है। आप अपने जो है सिर्फ सिर्फ 699 में अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो, और जितनी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इन चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा जो है 4-5 हज़ार के खर्चे से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम परसेंटेज स्कोर किए हैं। इनके नाम भी देख रहे हैं, इनका नाम है, रोल नंबर है, इनका डिस्ट्रिक्ट भी है, सब कुछ मेंशन है। आप गूगल पर इनके रिजल्ट भी देख सकते हैं, कुछ इसमें टेंथ के हैं, कुछ ट्वेल्थ के हैं, ठीक है। तो टेंथ ट्वेल्थ में आप चेक कर लीजिएगा, और अगर पेमेंट करने में किसी को कहीं कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके फिजिक्स की, तो सबसे ज्यादा जो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये तो होने के बाद एक सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह है कि अब यानी कि मंडे से आपको एक नया कैप्सूल मिलने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि फिजिक्स की तैयारी का एक न्यू कैप्सूल थंबनेल में आप स्टार्टिंग में ही देखे होंगे, ठीक है। तो अब आपको एक देखा जाए तो ये जो कैप्सूल है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको दिया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दिया जा रहा है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम से जो है आसानी से टकरा कर वापस आ सकें, ठीक है, जीत करके। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे कहां जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेरिवेशन और ये लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है यहां पे बेटा थियरी से, ठीक है, थियरी से, ठीक। अब बात ये आती है कि डेरिवेशन कैसे करें, तो फिजिक्स के डेरिवेशन को कैसे करें, इसके लिए आपको एक वीडियो मैंने जो है प्रोवाइड किया था पिछले ही महीने, मैंने दिवाली के पहले या दिवाली के बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे करें और फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, दोनों पर मैं जो है वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। YouTube पर सर्च करिएगा फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे करें और बाद में लिख दीजिएगा शुभम क्लासेस, तुरंत वो वीडियो आ जाएगी। और इसी तरीके से ये भी सर्च कीजिएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें और बाद में लिखिएगा शुभम क्लासेस, ये वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये डेरिवेशन की बात हो गई, ये न्यूमेरिकल की बात हो गई और ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो गई, ठीक है। चलिए, अब आ जाओ यहां पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंत में आपको एक छोटा सा मिलेगा होमवर्क, ठीक है। तो ये आपके क्या है होमवर्क, होमवर्क का मतलब क्या है, वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका वन शॉट मैंने करवा दिया है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका भी वन शॉट मैंने करवा दिया। और विद्युत धारा, इसका भी वन शॉट हमने करवा दिया। और साथ ही साथ किरण प्रकाश की इसका भी वन शॉट हमने करवा दिया है। तो ये जितने भी, ठीक है, ये जितने भी वन शॉट है, ये सारे वन शॉट हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आपके पास देखा जाए बेटा 4, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 4 ही वीडियो है। तो ये 4 वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए, इतना हम जो है वन शॉट करवा चुके हैं। तो अगर आप ये इतना रिवाइज कर लेते हैं तो आप हमारे बराबर आ जाएंगे, ठीक है, आप हमारे बराबर आ जाएंगे। फिर ये वाली समस्या नहीं रह जाएगी कि सर आप दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी हम पहले चैप्टर पे पढ़ रहे हैं यार, या आप सर क्वेश्चन करा रहे हैं और अभी हम जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये वाली समस्या से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसीलिए आज आपकी क्लास भी जो है फिजिक्स की नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमने देखा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे थे कि सर अभी हम पहले चैप्टर पे हैं या अभी हम फिजिक्स पार्ट 2 जो है आप स्टार्ट कर दिए, अभी हम 8वें चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये समस्या ना रहे, तो आप लोग इतना मैंने करवा दिया है तो इतना आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, ठीक है। यहां पे फिर से हम आपको एक नया मौका ये दे रहे हैं कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी डेरिवेशन करवाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, ये सारे के सारे फिर से हम चैप्टर नंबर 1 से अंतिम बार करवा रहे हैं। इसके बाद फिर वापस से चैप्टर नंबर 1 से नहीं कराएंगे, ठीक है।
अंतिम बार मंडे से हम आपको चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा देंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा देंगे, हर एक चीज फिर से वापस से चैप्टर नंबर 1 से कराना शुरू करेंगे और लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। और इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई बार आप लोग बोले सर चैप्टर नंबर वन से लगभग दूसरी या तीसरी बार मैं आपको चीजें प्रोवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब जो है वापस से फिर से चैप्टर नंबर 1 से चीजें नहीं शुरू होगी, तो आज ये आपके लिए आखिरी मौका है। तो अब आप सभी लोग तैयार हो या नहीं, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम तैयार हैं। और मंडे से अगर हम बात करें मंडे की, ठीक है, तो मंडे को आप को ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। मंडे को आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और फिर जो है यहां पे आपको वेडनेसडे को, यानी कि जो बुधवार है उस दिन हम आपको किसी एक चैप्टर का, ठीक है, कोई एक फिजिक्स पार्ट टू का एक चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे, तरंग प्रकाश की। कौन सा? तरंग प्रकाश की, ठीक है, इस दिन ये कंप्लीट करेंगे। और फिर जो है इस दिन आपको अति लघु त्रिक प्रश्न के मिलेंगे, यानी बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को हम प्रोवाइड कर देंगे आपको अति लघु त्रिक और लघु त्रिक, ठीक है, अति लघु और लघु त्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्राइडे को आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, फ्राइडे जो है आपका ऑफ रहेगा, इस दिन आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं रहेगी फ्राइडे को, और सैटरडे को फिजिक्स की क्लास की मैराथन रहेगी, ठीक है, सैटरडे को मैराथन क्लास रहेगी। ये तो मंडे की प्लानिंग है। और अभी कल आपको, ठीक है, कल में भी हो सकता है आपको प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र किरण प्रकाशिकी का, जो किरण प्रकाशिक और प्रकाशिक यंत्र है, तो किरण प्रकाशिकी तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें एक चीज जो है लेंस मेकर फार्मूला जो है, हालांकि वो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेंस सूत्र पर जो है वो हो जाएगा, जो गोलीय दर्पण द्वारा अपवर्तन का मैंने सूत्र बताया उस सूत्र पर आधारित वो आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अलग से जो है नाम लिख के मैंने नहीं कराया था, वो छूट गया था, तो वो हम आपको करवा देंगे। और साथ ही साथ जो आपके प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक है, या मानोनेत्र हो गए, ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, इनका क्या वर्किंग है, क्या है, ठीक है, इस पे भी लगभग 2 से 2.5 घंटे की क्लास जो है कल आपकी होने वाली है, तो सभी लोग रहिएगा तैयार, ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब किसी का कोई डाउट है, अगर किसी का कोई भी डाउट अभी भी होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और कम से कम आज के इस सेशन में बच्चे 200 कमेंट्स होने चाहिए ये कि यस सर हम तैयार हैं इस प्लानिंग के लिए, इस स्ट्रेटजी के लिए, ये जो अलर्ट वीडियो आपने ले आया इसकी वजह से हम तैयार हो चुके, अब हम कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ऐसा कमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।